नमस्कार, मैं मिसेस अनीता, स्वागत है आपका मेरे अनीता किचन में। आज मैं आपको खाना बनाने जा रही हूँ कोलकाता फेमस एग रोल। उसके लिए हमें एक बाउल लेंगे और एक कप हम भरकर मैदा लेंगे। हम पहले रोल के लिए डो तैयार कर लेंगे और 1 टेबल स्पून हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी। पहले से इस तरीके से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट और एक तो चिकना डो तैयार कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम हाथ में ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट और चिकना डो हमने लगा लिया है। अब इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम फिर आटा को निकाल लेंगे बाउल में। थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे, हम इसके एक साइज के मीडियम लोइयां काट लेंगे। अब इस तरीके से रोटी की लोई बनाते हैं, ऐसे हम बना लेंगे। सारी लोइयों को हमने बना लिया है। अब इन्हें प्लेट में रखते हैं और एक एक कर हम जैसे पराठा बेलते हैं उस तरीके से हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम गोल पहले बेलेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे और फिर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जैसे हम घर में नॉर्मली पराठा बनाते हैं उस तरीके से। ऐसे अब थोड़ा सा उसका मैदा लगाएंगे और फिर हम इस तरीके से इसे बेल लेंगे। सारे पराठों को बेल कर तैयार कर लेंगे। सारे पराठों को हमने इस तरीके से बेल लिया है। अब हमें चाहिए, इस तरीके से हमने लंबे आकार में खीरा को छीलकर काट लिया है और इस तरीके से हमने एक बड़ी प्याज को इस तरीके से पतला पतला स्लाइस में काटा है, 4 हरी मिर्च बारीक चॉप, 2 नींबू, क्रश ब्लैक पेपर, नमक, 4 अंडा। और अब हम इसमें नमक और नींबू मिलाएंगे। हमने इन्हें पहले नमक नींबू मिला के नहीं रखा है। अगर पहले से हम नमक नींबू मिला कर इनमें रख देते तो ये पानी छोड़ देते, इसलिए हम अभी इसमें नमक और नींबू मिलाएंगे। हमने इसमें आधा नींबू का रस डाला है और थोड़ा सा अपने हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून क्रश ब्लैक पेपर। अच्छी तरीके से बाउल ले लेंगे छोटा सा और उसमें हम अंडा फोड़ लेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर हम इसे अच्छी तरीके से फेंक लेंगे। एक रोल बनाने के लिए एक ही अंडा काफ़ी है। अगर आप इसमें एक पराठे में 2 अंडे लगाने चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब हम ये पराठा जो हमने बेला है इसे हम डालेंगे तवा पर। अब इसे पलट लेंगे। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालकर इसे सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को हम एकदम मीडियम रखेंगे
अब ये हमारा अच्छी तरीके से दोनों तरफ सिक चुका है। अब हमने जो अंडा फेंटा था, अब ये अंडा लेंगे, पराठे को डालेंगे और इसे इस तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे और इस तरीके हम सावधानी चिमटा से उठाएंगे इस तरीके से, और फिर आप पलट पलट देंगे। अब फिर हम इसके आसपास इस तरीके से हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे और इसे इस तरीके से कंछुल की मदद से दबाएंगे ताकि कि हमारा अंडा अच्छी तरीके से पक जाए। हम इसमें इस तरीके से खीरा उसे रखेंगे, पहले एकदम थोड़ा सा नींबू का रस, चिली सॉस, टमाटर केचप, हम इसे इस तरीके से रोल बना लेंगे ऐसे। और आपके पास अगर सिल्वर फॉइल हो तो वो ले लें, नहीं तो आपका टिश्यू पेपर हो आप उसे भी ले सकते हैं। इस तरीके से रखकर और ये नीचे से ऐसे हम इस तरीके से दबा देंगे ताकि नीचे से हमारा सॉस ना निकले। और ये देखिए इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए एग रोल हमारे बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।